Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook, Mary Gould, and our today's topic is first chapter of Unit 8. That is a poem and named What's in the Mailbox? In this poem, a little boy was complaining that. Whenever a postman come to deliver the letters, he never bring letter for him. He only brings the letter for their parents, either for her, his mother or father, but not for him. Right, students? Then he think he will wrote a letter or write a letter to his friends and post it and then his friends send the reply of his letter and the postman will bring letter for him also yeah. हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक गोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट आठ का पाठ जो कि एक कविता है और वो कविता है कि द मेल बॉक्स की चिट्ठी के बक्से में क्या है यह कविता है एक बच्चे की जो शिकायत कर रहा है कि पोस्टमैन जब भी आता है वो चिट्ठियाँ लेकर आता है मगर वो उसके लिए चिट्ठियाँ कभी नहीं लाता बल्कि उसकी मम्मी और उसके पापा के लिए ही चिट्ठियाँ लेकर आता है तो वो बच्चा एक दिन डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा अपने दोस्तों को ताकि उसके दोस्त भी उसे जवाब में लेटर लिखेंगे तो फिर पोस्टमैन को मजबूरी में उसके लिए भी वो लेटर लेकर आना होगा है ना तो ये एक पोएम है चलिए इसे पढ़ते हैं कि क्या पोएट कह रहा है वट्स इन द मेल बॉक्स Most always, when the postman comes with letters two or three, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters through, that's what I am going to do, and then my friend will answer me and I will get letters too. Right? अब वो क्या कह रहा है चलिए समझते हैं मोस्ट ऑलवेज अधिकतर जब द पोस्टमैन कम्स पोस्टमैन थ्री उसके पास चिट्ठियां होती हैं दो या तीन दे आर फॉर माई मदर और माई डैड लेकिन वो किसके लिए होती हैं? उसकी मम्मी या उसके पापा के लिए होती हैं। बट नेवर वन फॉर मी लेकिन एक भी मेरे लिए कभी नहीं होती वो शिकायत कर रहा है कि जब भी पोस्टमैन आता है तो वो दो तीन चिट्ठियां लेकर आता है मगर किसके लिए होती हैं वो उसके पापा या उसकी मम्मी के लिए उसके लिए तो एक भी चिट्ठी लेकर पोस्टमैन कभी भी नहीं आता अब वो क्या कहता है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स अब मैं लिखने जा रहा हूं कुछ चिट्ठियां गोइंग टू राइट गोइंग टू राइट मतलब लिखने जा रहा हूँ है ना क्या लिखने जा रहा हूँ कुछ चिट्ठिया तो इससे क्या होगा दैट्स वट आई एम गोइंग टू डू जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ एंड देन अब उससे होगा क्या माई फ्रेंड विल आंसर मी उन चिट्ठियों को पढ़कर मेरे दोस्त भी मुझे आंसर करेंगे मुझे उसका उत्तर देंगे एंड आई विल गेट लेटर्स टू और इस तरह मैं भी चिट्ठियाँ पा लूँगा यानी कि उसके लिए भी चिट्ठियाँ आएंगी तो ये सिंपल सी पोम जो कि एक बच्चा अपने मन की बात कह रहा है है ना तो इस पोम में चिट्ठियाँ अब आपके टाइम में तो नहीं आती चिट्ठियाँ लेकिन पहले टाइम में आप अपने पापा अपनी मम्मा से पूछेंगे तो उस समय में लेटर्स आया करते थे उस समय फोन्स नहीं हुआ करते थे जिसकी वजह से लोग चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे के संदेश एक दूसरे की खबर भेजा करते थे चिट्ठियों के माध्यम से और उसके जवाब में उनको वहाँ से भी उनके हाल समाचार पता चलते थे राइट right? तो ये कहानी ये कविता थी वट्स इन द मेल बॉक्स चलिए अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें लेटर्स लेटर्स मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा नेवर मतलब कभी भी नहीं और टू तो मतलब यद्यपि राइट चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस जो उसकी हैं उन्हें पटक कर लेते हैं रीडिंग इज फन हुज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर हु मतलब किसके लिए द पोस्टमैन जो था वो चिट्ठियां लेकर आता था किसके लिए लाता था मम्मी और पापा के लिए डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर क्या बच्चे को कभी चिट्ठी मिली या क्या कभी बच्चे के लिए भी चिट्ठी आई नहीं बच्चे के लिए कभी चिट्ठी नहीं आई तभी तो वो शिकायत कर रहा है वट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू तो फिर बच्चे ने क्या डिसाइड किया करने के लिए बच्चे ने ये डिसाइड किया कि वो भी लेटर्स अपने फ्रेंड्स के लिए, लिए लिखेगा है ना चलिए टॉक टाइम में क्या कहता है हैव यू रिटर्न लेटर्स क्या तुमने कभी चिट्ठियां लिखी हैं नहीं लिखी होंगी आपने है ना हु हैव यू रिटर्न टू और अगर लिखी हैं तो किसके लिए लिखी हैं आपने फिर वो नेक्स्ट कहता है हु वुड यू लाइक टू राइट टू आज तुम किसके लिए चिट्ठी लिखना चाहते हो और क्यों उसका कहना है कि अगर आप लिखना चाहें तो किसके लिए और क्यों लिखना चाहेंगे राइट right? तो भाई अगर मैं आज चिट्ठी लिखूं तो मैं अपने घर से बाहर हूं तो अपने परिवार वालों के लिए लिखूंगा है ना और अगर घर पे हूँ तो मैं अपने तो दोस्तों के लिए चिट्ठी लिख सकता हूँ या अपने रिश्तेदारों के लिए भी चिट्ठी लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि मुझे उनसे बात करने के लिए अपने बारे में उन्हें कुछ बताना है और उनके बारे में कुछ जानना है राइट अब कथा रीड दिस लेटर केयरफुल्ली इस चिट्ठी को ध्यान पूर्वक पढ़े क्या है देवू हैज रिटर्न अ लेटर टू हिज ग्रैंड फादर थैंक हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट देवू को उसके बर्थडे पे उसके दादाजी ने गिफ्ट भेजा होगा तो देवू जो है अपने दादाजी को थैंक यू वाला लेटर भेज रहा है आजकल तो हम क्या करते हैं फ़ोन करके थैंक यू बोल देते हैं है ना मगर पहले जब फ़ोन्स नहीं थे तो इसी तरीके से थैंक यू बोला जाता था अब तो वो क्या हो रहा है देखिए सबसे पहले तो एड्रेस लिखा है जहाँ पर वो जाना है लेटर लिखने का तरीका आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले वो एड्रेस जहाँ पर चिट्ठी जानी है उसके बाद कौन सी डेट को हम लिख रहे हैं वो लिखा जाना है उसके बाद किसको लिख रहे हैं उसका नाम आ गया तो उसने डेट डाली उसके बाद लिखा डियर ग्रैंडफादर प्रिय दादाजी थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्रा इस्टोरीज धन्यवाद आपका उस खूबसूरत किताब के लिए जो कि नाम है पंचतंत्र की कहानियाँ यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे यू विल बी हैप्पी टू नो आप यह हाँ जानकर नो मतलब जानना हैप्पी माने खुश आप यह हाँ जानकर खुश होंगे दैट कि आई रीड वन स्टोरी मैं पढ़ता हूँ एक कहानी एवरी डे प्रतिदिन प्रतिदिन मैं एक कहानी पढ़ता हूँ ये जानकर आप खुश होंगे लास्ट में बस इतना ही विद लव ढेर सारा प्यार और देव ठीक तो ये एक लेटर है लेटर लिखने के लिए सबसे पहले उसका एड्रेस जहाँ पर जाना है उसके बाद किस तारीख को आप लिख रहे हैं और फिर जो लिख रहे हैं जिनको लिख रहे हैं उनको नाम और उसके बाद क्या आप कहना चाह रहे हैं वो और लास्ट में अपना नाम अब वो कहता है लेट्स राइट नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स अब आपने एक लेटर लिखना है और उसे अपने स्कूल के बारे में बताना है और आप नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे क्लासरूम चिल्ड्रन बेल ब्लैक बोर्ड टीचर बिल्डिंग वो किस तरह की स्टोरी होगी हो सबसे पहले अपने फ्रेंड का एड्रेस लिख देंगे मान लेते हैं उदय विहार कॉलोनी जमालपुर हरिद्वार फिर हम क्या लिखेंगे डेट डेट हो गई आज थर्टीन दिसंबर राइट टू थाउजेंड ट्वेंटी डियर फ्रेंड फ्रेंड का नाम है अमित डियर फ्रेंड अमित You will be happy to know that I joined a new school, the Kyan Ganga Academy. Its building is very big. There are many children in the school. My classrooms are very beautiful. My teachers are very polite and humble. There is a very big blackboard in my class, and the bell rings in lunch time and at the time of वेन आर स्कूल इज ऑफ राइट तो हमने इन वर्ड्स को यूज करके एक चिट्ठी अपने फ्रेंड को लिखी है अब लास्ट में क्या लिखेंगे टेक केयर विद लव और अपना ना है ना तो ये आपने एक लेटर लिखने की कोशिश करनी है आपका था पेपर फन पेपर से एक मस्ती करनी है और वो आप सब घर में एक एक्टिविटी एक करेंगे लेट्स मेक एन एनवलॉप एंड पोस्ट योर लेटर टू कहते चलिए बनाते हैं एनवलप और पोस्ट करते हैं अपना चिट्ठी टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एक पेपर लेना है लेकिन ध्यान रहे वो स्क्वायर होना चाहिए रेक्टेंगल नहीं अब वो कहता है फोल्ड ऑल द फोर कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड उसके चारों के चारों कॉर्नर्स हैं उन्हें फोल्ड कर लेंगे और टू फोल्ड टू कॉर्नर्स एंड पेस्ट दैम विदिटल ग्लू दो कॉर्नर्स को फोल्ड करके छोटा थोड़ा सा ग्लू लगा कर उसे चिपका देंगे ऐसे ही फोल्ड द थर्ड कॉर्नर एंड पेस्ट इट विद ग्लू तीसरा को भी चिपका देंगे और जो फोर्थ वाला कॉर्नर है उसे खुला छोड़ देंगे क्यों ताकि लेटर हम उसमें डाल सकें द राइट द एड्रेस नीटली ऑन द एन एंड फिक्स द स्टेम्प ऑन द राइट कॉर्नर और हम बाहर की तरफ एड्रेस लिख देंगे साफ साफ एनवलॉप के और राइट right कॉर्नर पे उस एनवलॉप के हम एक स्टैंप टिकट चिपका देंगे पुट द लेटर इन साइड इट और चिट्ठी को उसके अंदर रख देंगे नाउ सील द फोर्थ कॉर्नर एज वेल और अब चौथा जो कॉर्नर है उसको भी हम चिपका देंगे सील कर देंगे योर लेटर इज रेडी टू बी पोस्टेड टू योर फ्रेंड और अब आपकी चिट्ठी जो है बिल्कुल तैयार है अपने दोस्त को भेजने के तो मज़ा आएगा एक स्क्वायर पीस लेंगे चारों कॉर्नर को मोड़ देंगे फिर धीरे धीरे करके तीन कॉर्नर्स को हम चिपका देंगे चौथा कॉर्नर खुला रहने देंगे उसके बाद उसमें एड्रेस लिख देंगे चिट्ठी डाल देंगे और वापस चौथे वाले कॉर्नर को भी चिपका देंगे और राइट कॉर्नर पर टिकट लगाकर पोस्ट करने के लिए आपका लेटर रेडी हो जाएगा राइट कैसी लगेगी मज़ा आएगा ना इस एक्टिविटी में गुड वर्ड बिल्डिंग शब्द बनाएंगे हेयर आर सम पीपल हु हेल्प अस कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं तो लेट्स ट्राई मैच ए विद बी अब ए में उन पीपल्स के नाम दिए गए हैं पोस्टमैन अ अब अ लाइब्रेरियन अ ड्राइवर अ ड्राफ्टमैन अ टीचर अ नर्स अ म्यूजिशियन एन एस्ट्रोनॉट अ क्लोन ठीक है अब एक पोस्टमैन एक डाकिया कॉबलर मतलब कौन होता है कॉबलर जूते सिलने वाला है ना एक लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी को देखते हैं एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं अ ड्रामेटिस्ट ड्रामेटिस्ट मतलब जो नाटक करता है है ना उसके आधार टीचर आपको बताइए नर्स जो सबकी देखभाल करती है म्यूजिशियन मीन्स जो गाना बजाता है एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाता है और एक क्लोन जो कि हंसाता है सर्कस में तो ये है नाम और उधर क्या कहते हैं बी पार्ट में क्या दिया है ड्राइव्स मोटर व्हीकल टीचर्स इन अ स्कूल कहते हैं जो गाड़ी चलाता है जो पढ़ाई कराता है स्कूल में लुक आफ्टर पेशेंट्स जो पेशेंट्स की देखभाल करते हैं राइट्स प्ले जो नाटक लिखता है ट्रेवल्स इन द स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष में जाता है मेक पीपल्स लाभ जो लोगों को हंसाता है मेंट्स आवर शू हमारे जूतों को ठीक करता है प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है वर्क्स इन द लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में काम करता है और ब्रिंग्स आवर लेटर्स जो हमारी चिट्ठियाँ लेकर आता है तो एक तरफ जो काम करता है वो लिखा है और दूसरी तरफ उनके नाम लिखे हैं आपको इनको मैच कराना है जैसे पोस्टमैन लाइब्रेरी मोटरसाइकिल a a इसी प्रकार जितने भी हैं उन्हें आपस में मैच कराना है और हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके बारे में जानना है तो ये एक छोटी सी पोम जिसमें एक बच्चा अपने चिट्ठी का इंतजार करता है उसकी चिट्ठियाँ नहीं आती तो फिर वो खुद एक चिट्ठी लिखता है लिखता है अपने दोस्तों को ताकि उसके लिए भी चिट्ठियां आए आज के लिए इतना ही खूब रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे टेक केयर गुड डे आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बीइंग विद